मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठंडे पानी से आंखें धो ले बेटा, दिखाई देने लगेगा। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। और भाइयों कैसे हो। सो आज मैं रोस्ट करने वाला हूँ इंस्टाग्राम हॉट गर्ल्स। चलो फिर हम भी तो देखें इन हॉट गर्ल्स के करतूत और अपने गुप्त पार्ट से हाथ निकालो और स्टार्ट करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जानवर भी आजकल ठरकी हो रहे हैं, इतने ठरकी हो रहे हैं कि डायरेक्ट पॉइंट पर निशाना मार रहे हैं। इसलिए तो आज के लड़के अपना चुपचाप हिलाकर सो जाते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आजकल लड़कियां किस तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और ये वीडियो देखकर हर लड़कों की हालत कुछ इस तरह है। तुम खुद देख लो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आए हाय है कितना मजा आ रहा है। असली मजा तो हम जानवर ले जाते हैं और इंसान तो अपना ही लाते रह जाते हैं। क्या बाबा जी का ठुल। लड़कियों में इतनी हवस आती कहाँ से है। एक जानवर उसे कूची मूची कर रही है और एक चुसे हुए बैंगन से, जिसकी वैलिडिटी तो कब की एक्सपायर हो गई है। और जिस कैंडिडेट्स की वैलिडिटी अभी बाकी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है बहन चोद। इसी बात पर कैरी भाई का एक डायलॉग याद आ गया कि जब भी तो लड़कियाँ चाय में जहर मिलाकर पीती है। और मैं ये सब देखकर बोलना चाहता हूँ कि जब भी तो लड़के बाथरूम में दीवारों में छेद कर करके मरते हैं। और इस भाई के लिए तो कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जरा खुद देख लो। अरे अरे दीदी जी संभालो अपने आप को। चलो यार इसी बात पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक गांव का सीधा साधा और भोला भाला सा एक छोटा लड़का था। उसने यूं ही मजे मजे में एक गाना गा दिया और उस गाने का नाम था बचपन का प्यार। अब उस बच्चे को क्या पता था कि वो गाना उसके लाइफ बना देगा। अब इन दीदी जी को दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था कि जब उस बच्चे की वीडियो ट्रेंडिंग में जा सकती है तो मेरी क्यों नहीं। अब भले ही मुझे अपनी पर्सनल चीजों के साथ छेड़खानी करनी पड़ जाए, ऐसे तो मेरे पास अपनी पर्सनल चीजें दिखाने के लिए कुछ नहीं है, फिर तो मेरी वीडियो भी कभी ट्रेंडिंग पर नहीं होगी। सही पकड़े हैं। ये दुनिया एक मादरचोद है। इन दुनिया के लोगों को अंदर से दीमक खा गया है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता कि टैलेंट किस चिड़िया का नाम है। और इन्हीं लोगों की वीडियो आपको ट्रेंडिंग पर मिलेगी। जैसे कपड़े में पूसी कैट डालकर नाचना टैलेंट, रस्सी टप्पा खेलते हुए अंडरवियर उतर जाना टैलेंट, चुसे हुए बैंगन के साथ रोमांटिक सीन क्रिएट करना टैलेंट टैलेंट टैलेंट। भाग बहन जो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दे शर्मो, शर्म करो शर्म। ये दीदी पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके वीडियो बना रही है। पूसी कैट के साथ डांस चल रहा है। इन दीदी को पहले लगा होगी अगर मैं सिंपल डांस करके वीडियो बनाती हूँ तो वायरल तो होगी नहीं, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ऐसी कितनी वीडियोस ऑलरेडी हैं। सो इन दीदी के मन में आया आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो दीदी को लगता था कि ये इनकी वीडियो में ट्विस्ट एंड वायरल कर देगा, जो कि हुआ भी बहनचोद। इसी बात पर एक बार और देखते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ अगली वीडियो मेरी एक कुत्ते को अंडरवेयर में डांस करते हुए आने वाली है। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई।
एक मिनट सैया ने ऐसे कैसे देख लिया जो कि तुम पानी पानी हो गई। क्या सैया तुम्हारा फायर ब्रिगेड वाला है? अच्छा चलो छोड़ो, अगर दीदी तुम पानी पानी हो ही गई हो ना तो ये बंदा आपकी हेल्प कर सकता है। मैडम हमारा हूँ गमछा लेके आपका सारा पानी पोस दूंगा। आऊ माधर चोद आपका सैया ऐसा दोबारा किया तो ओकरी मात चोद दूंगा। तो चलो फिर आप अपने गुप्त पार्ट को खुजाना बंद करो और सब्सक्राइब मारो। आप उस सब्सक्राइब के बटन को ठोक कर पानी पानी कर दो और लाइक करो यार। लाइक एम रखता हूँ 15 लाइक्स बस यार, कर देना, दिल को सुकून मिलता है। तो चलो फिर मैं चलता हूँ कुत्ते के साथ डांस वीडियो बनाने। निखिल चल शेरू को मेरे अंडरवियर में डाल और डांस वीडियो बनाते हैं, मुझे भी अपनी वीडियो वायरल करनी है।